20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है। पिछले बार हम लोग ने बातचीत की थी तो हम लोग थोड़ी बहुत हैप्पीनेस की भी बातें किया करेंगे, तो ज़्यादातर लोग शायद पिछली बार नहीं थे, तो संक्षेप में उसको रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर कोई चाहता है कि हम जीवन में खुश रहें, है ना। कोई ऐसा है कि सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आज मेरे को बहुत दुख देना, बहुत परेशानी देना। तो आनंद या खुशी या हैप्पीनेस प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, उसमें से दो तीन तरीकों की आज बात करते हैं ना। पहला है एक्टिविटी, एक्टिविटी इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है वो रुकी हुई नदी नहीं है, बहता हुआ पानी है। आप चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। लोग सोचते हैं एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए, सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, एक्सरसाइज से हैप्पीनेस भी बढ़ती है क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, एंडोर्फिन्स बनते हैं, तो हम खुश रहते हैं। तो इसलिए किसी ने कहा एक्सरसाइज इज इक्वल टू हैप्पीनेस। कोई भी एक्सरसाइज करिए, एरोबिक्स करिए, योगा करिए, जुम्बा करिए, जिम में जाइए, सबसे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जो बहुत सारे वैज्ञानिक शोधों के बाद पता लगी है कि योग और ध्यान अवश्य करिए। प्रतिदिन एक घंटा योगासन, प्राणायाम और ध्यान करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। मन का टेंशन दूर होता है, मन को शांति मिलती है। इसका सर्वोत्तम समय सुबह होता है, पर अगर शाम को भी करते हैं तो कोई बात नहीं। तो पहली बात है कि एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज रोज करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, सब। दूसरा है जो भी काम आप करते हैं उसको बहुत डूब कर करिए। इसको समझ लेना बच्चे लोग, एक ने क्या किया, किसी ने बताया कि काम को डूब कर करिए तो जाके नदी में डूब गया और उससे उसके बाद हम काम करें, वैसा नहीं। जिस काम को करें पूरे मनोयोग से करें, पूरा मन लगा के करें। जैसे खेलने में मन लगता है बच्चों का, कोई तैरने में मन लगता है, या कोई संगीतकार को आपने देखा जब संगीत वो सितार बजाता है तो कहीं ध्यान नहीं रहता, उसका पूरा ध्यान सितार पे रहता है। कोई बैट्समैन बैटिंग करता है तो 50,000 लोग स्टेडियम में, उसका ध्यान कहीं नहीं जाता, कोई ताली बजा रहा है, कोई सीटी मार रहा है, वो सिर्फ बॉल को देखता है। पूरा ध्यान, भले ही आपका कोई शौक हो, सिंगिंग, डांसिंग और कोई भी शौक हो, या जो आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं बच्चे लोग जैसे, तो उस काम में इतना मन लगाइए तो धीरे धीरे आपकी स्किल्स और डेवलप होंगे और आप खुश होंगे। जो आदमी काम में इतना डूब जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कितना समय हो गया, वो खो जाता है, समय का ध्यान नहीं रहता। अगर उस तरह से आप काम करेंगे तो आप जीवन में बहुत खुशी पाएंगे। खुश रहने के लिए डीप एंगेजमेंट और ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आप फ्लो में आ जाएं, उसमें भूल जाएं सब कुछ, सिर्फ वही काम कर रहे हैं आप, ठीक है, समझ गए। अपने परिवार के लोगों में और जो मित्र हैं, कुछ क्लोज लोग, उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध बनाएं, जेन्युइन रियल संबंध, सुख दुख में उनके साथ रहें। घर में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ खूब उछले कूदें, अगर बुजुर्ग हैं तो उनका हालचाल पूछें और हर सुख दुख में शामिल हों। SMS से नहीं कि हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी, वो नहीं, उनसे मिलें। और जितना लोगों के साथ आप रहेंगे, अगर एक मूल बात कहनी ना हैप्पीनेस की, वो है कि लोगों के साथ आप रहिए। आप अगर कल्पना करेंगे कि जीवन में आप सबसे खुश किस समय थे, आप कल्पना करिए सबसे खुश कब रहे जीवन में आप। तो जो भी क्षण आपने सोचा होगा उसमें कई लोग आपके पास होंगे, आपके परिवार के और मित्र वगैरह। अकेले रह के आदमी कम खुश रह पाता है। और क्योंकि संक्षेप में कह रहा हूँ बातें, अंत में ये बोलूँगा, किसी भलाई के काम से जुड़ी है, कोई अच्छा काम हमको हमेशा करना है, किसी गरीब की मदद करना है, पर्यावरण के लिए।